नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, तमाम तरह की एक चुनाव व्यवस्थाएं हमारे देश में चलती रहती है। उन्हीं व्यवस्थाओं के चलते दो महत्वपूर्ण चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण चुनाव तो यह है, एक ही सीट का है, वो है लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव। 3 नवम्बर को चुनाव होना है, प्रचार थम चुका है, 6 नवम्बर को नतीजे आएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण चुनाव जो होने वाले हैं वो निकाय चुनाव। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने इसकी जो दिनांक तारीखें हैं, इसका शेड्यूल है, वो अभी नहीं बताया, उसकी जानकारी नहीं दी है। पर अनुमानित माना जा रहा है कि नवंबर के बाद दिसंबर यानी अगले महीने में इस चुनाव के होने की पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तैयारी चल रही है, परिसीमन चल रहा है और 20 नवंबर को मतदाता सूची की आखिरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। लगातार सरगर्मियाँ जारी हैं। मैटपुर चुनाव गोला गोकर्णनाथ का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो विधायक थे उनका निधन हो गया था हार्ट अटैक के चलते, अरविंद गिरी, और अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली चल रही थी। और खाली के चलने के चलते यहाँ पर जो समीकरण थे, वो समीकरण अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम तीनों वर्गों के यहाँ वोट हैं। हालांकि 2009 में परिसमन के बाद सीट का नाम गोला गोकर्णनाथ किया गया। पहले अगर सीट की हम बात करें तो पहले इस सीट को हैदराबाद खीरी के नाम से कहा जाता था, और अगर सीट की प्रमुखता की बात करें तो इसको छोटी काशी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर हम चुनावी नतीजों को नज़र डालें तो अरविंद गिरी का यहाँ वर्चस्व रहा है। 1996, 2002, 2007 में लगातार जीते, 2012 में जरूर हारे थे, और 17 और 22 में फिर वो उन्होंने अपनी जीत को यहाँ पर मजबूत किया था। उसके बाद जब निधन हुआ तो अब फिलहाल जो चुनावी टक्कर है वो दो लोगों के बीच में है, अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी, जिनको जो 2012 में एक बार जीते थे जब समाजवादी पार्टी सरकार बनी थी। उसके बाद 2017-2022 में अरविंद गिरी ने ही उनको दो बार हराया था, कांटे की टक्कर रही थी। तो वहीं अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, उसके लिए भी लगातार सरगर्मी का दौर जारी है। प्रत्याशियों की होल्डिंग लगनी शुरू हो गई है, अपने आप को संभाव्य बताना शुरू कर दिया है, और जो कितना एक पटकथा चुनाव की रणनीति वो बननी शुरू हो गई है, और सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे को तैयार करने में लगी हैं, किस तरह एजेंडा करके जाएंगी। हालांकि चुनाव तो बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि 24 चुनाव होने वाला है, उस 24 चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मोहल्ले का चुनाव जरूर बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं चुनाव में भी एक स्पष्ट होता है कि किसका वर्चस्व बड़ा है और किसका दमखम अभी भी चल रहा है। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, वो अपना वर्चस्व लगा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी विपक्ष के साथ पूरी मजबूती से चुनाव को जुटी हुई है। मैटपुर बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया हैं जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। मैं चर्चा का विषय है और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। अश्विनी शाही प्रवक्ता भाजपा के रूप में अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता रालोद के रूप में यहाँ पर वेद प्रकाश मिश्रा जी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी अपना पक्ष रखेंगे, प्रीत तिवारी कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, और पवन श्रीवास्तव भाई वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा महत्वपूर्ण है और चर्चा यहाँ पर हम बात करेंगे अश्विनी साई जी से, साई साई जी का मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, समाज पार्टी के भास्कर जी से लेता हूँ।
पवन जी, महत्वपूर्ण यहाँ पर लड़ाई है, और लड़ाई जो समीकरण है वो समीकरण हो सकता है को आपको भी ऊर्जा दे दे या बीजेपी यहाँ पर अपनी जीत को दोहराए, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण है वो मुस्लिम वर्ग और ओबीसी के समीकरण है। कुर्मी वर्ग तो हमेशा से बीजेपी का साथ देता रहा है, पर मुस्लिम वर्ग अगर चूँकि और कोई पार्टी खड़ी नहीं हुई है तो ये तरफा जाने की उम्मीद है। मैटपुर चुनाव है और निकाय चुनाव के लिए भी जहाँ पर तैयारियाँ पूरी चल रही हैं, तो वहीं संगठन की अभी भी तमाम चीज़ें आपके यहाँ होनी बाकी हैं। कब तक हो पाएंगी, किस तरह इस चुनाव को देखती है, क्योंकि 24 के पहले का सेमीफाइनल माना जाएगा इस निकाय चुनाव को। जी आज किसी को बनाया था वहां से आपके लिए आएगा जी जी और तार सदर सबसे ऊपर भी बनवा रहे हैं जी भवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है, मैं शुरू करूं? बोलिए बोलिए बोलिए। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ समाजवादी पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है जी, चाहे ये उपचुनाव हो जी, चाहे आप नगर निकाय चुनाव हो, पार्टी स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर दी गई है जी। और आप देखेंगे कि पूरे चुनाव में हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे और जितने वहाँ की लोकल टीम थी वो पूरे चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ रही है जी। और वो गंभीरता से लड़ने के पीछे कारण है कि निश्चित तौर पे योगी सरकार के जो आप ये देख पा रहे हैं दूसरा जो कार्यकाल है टोटल इनका फेलियर है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आप इनका चाहे इनका आप लोग इंटेलिजेंस हो, फेलियर है। और निश्चित तौर पे किसानों के मामले में, युवाओं के मामले में या आप मजदूरों के मामले में, विद्यार्थियों के मामले में, हर मोर्चे में ये फेल हो गई है सरकार। अच्छा। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के विकास को उत्तर प्रदेश की जनता याद कर रही है। और लगातार जो सदन से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी जो लगातार जन सरोकार के मुद्दों को उठा रही है उस पर लोगों का विश्वास जमा हुआ है। निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में वो परिणाम आपको जी भुवन जी आप बोल रही बात निकल गए जी, आप बोल रहे हैं कि इस बार नगर निकाय चुनाव की जी, आज आज जिस प्रकार के पूरे प्रदेश में आज माहौल है सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और हर 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 वार्ड पे मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वार्ड का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव होता है, मेयर्स का चुनाव होता है, चेयरमैन का चुनाव होता है, तो निश्चित तौर पे वहां पे बहुत बड़ी फेरियस है कार्यकर्ताओं की जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के कारण हर कार्यकर्ता को चुनाव में टिकट मांगने का हक होता है, लेकिन निश्चित तौर पे प्रदेश नेतृत्व तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो जिसको टिकट देता है सब कार्यकर्ता उसको जिताने में लग जाते हैं। यही समाजवाद पार्टी की विशेषता है और इसी दिशा में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता काम करने का। भवन जी, आपने भी कहा कि सरकार फेल हो चुकी है, अगर सरकार 5 साल पहले फेल हो गई तो सरकार दोबारा कैसे बन गई, यही बड़ा प्रश्न है। आपको विपक्ष की भूमिका दी गई है, कैसे देखते हैं भाई? आपने तो कहा कि हाँ सरकार हर मोर्चे फेल है, पर ये जो चमत्कार 37 साल बाद हुआ है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ 2022 में इनकी सरकार कैसे आई इस पे एक चर्चा चलाए और उसमें मुझे जरूर बोला। अभी बता दीजिए ना, बता दूंगा अभी बता दीजिए, हम तो अभी सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बांटे। अच्छा। एएमआई वाले जो नवाब साहब है वो चुनाव में आए उसके बाद दिखाई नहीं देते। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर पर्यटन की तरह आई और पर्यटन के बाद गायब है। अच्छा। केवल एक माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता है जो लगातार विपक्ष में रहकर आप अपने आपको कहना है कि सब पार्टी मिलकर आपको हरा दिया है, लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। भुवन भाई, आपका कहना है कि सारी पार्टी ने मिलकर आपको हरा दिया, गठबंधन कर लिया अंदर ही अंदर? मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ पार्टियां तो यहाँ पे पर्यटन के लिए आई हैं। अच्छा, पर्यटन के लिए आई हैं। एएमआई और मायावती ने, अच्छा, जिन्हें आपने देखा होगा चुनाव में टोटल जो टिकट का बंटवारे से लेकर सब वो समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। अच्छा। एक अनैतिक गठबंधन इन्होंने करा था। अच्छा। और शासन प्रशासन इनका सारा लगा हुआ था उस विषय में। अच्छा। पूरे देश और प्रदेश के को वो बातें क्लियर हो चुकी है। अच्छा, ठीक है ठीक है, हो सकता है ये स्त्री निकाय चुनाव के बाद भी कही जाए अगर परिणाम अच्छे नहीं रहते हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ निकाय चुनाव एक जो चुनाव होता है वो हर चुनाव का, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव होता है, हर एक का एक अपना अलग अलग स्तर होता है। और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में लोकल जो मुद्दे होते हैं वो अभी होते हैं, वो कैंडिडेट ने 5 साल जनता की कितनी सेवा करी है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ठीक है ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता भाजपा अश्विनी भाई जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी भाई, मैटपुर चुनाव गोला गोकर्णनाथ में होना है, विनय तिवारी और अमन गिरी के बीच मुकाबला है, साथ ही साथ निकाय चुनाव की सरगर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, उम्मीद की जा सकती है कि दिसंबर में इस चुनाव की घोषणा भी हो जाए।
कैसे देखते हैं, क्या तैयारी है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर प्रवक्ता सभा ने आरोप लगाया है कि हर मोर्चे पर सरकार फेल हो चुकी है और यहाँ पर जो टिकटों की व्यवस्था रही है वो सब दल मिलकर करे हैं और इस कारण समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, आप कैसे देखते हैं? गौरव जी, देखिए भुवन जी बहुत अच्छे पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं जी, मगर पार्टी ऐसी है कि जिसमें ये गड़बड़ हो जा रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते रहे जी, इन्होंने पहले ईवीएम पर इन लोग उंगली उठाते रहे जी, इस बार चुनाव आयोग पर ही और उंगली उठाया है कि 20,000 वोट जी हर विधानसभा में जी चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कम कर दिया। अच्छा, अब भाई साहब ईवीएम तो है नहीं जी, चुनाव आयोग ने इसको गंभीरता से लिया जी, और जहां जिस एक एक क्षेत्र में लगाया गया था वहां से उन्होंने जवाब मांगा जी, और वहां पर स्पष्ट रूप से साफ हो गया कि जिस प्रत्याशी ने इनके लगाया था, जिस नेता ने जी, वो फेल हो गया, वो बता नहीं पाया कि 20,000 हमारे यहां से यादव मुस्लिम का कहां कटा जी। अब एक नोटिस गई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा को जी, जो जिसका जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं जी, कि 20,000 वोट चुनाव आयोग ने पूछा है कि 20,000 वोट हम कहां से काटे हैं, आप हमको प्रमाणित कर दीजिए और कागज समेत हमारे पास आ जाइए जी। तो बहुत जल्दी देखिए, इसमें कोई सजा तो नहीं है जी, लेकिन वो राष्ट्रीय झूठे आदमी साबित होने जाने वाले हैं कुछ ही दिन में। अच्छा, कोई आरोप उनके ऊपर अगर लगाए हैं बगैर बगैर किसी उसके कागज पत्र के लगाए हुए हैं, वो आरोप नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इसलिए मैं नगर निगम की भी बात कर लेता हूं, बस एक मिनट का समय दीजिए, मैं खत्म कर लेता हूं। बोलिए, नगर निगम में हम लोग पिछली बार 16 में से 14 जीते थे जी, इस बार शाहजहांपुर एक और बढ़ गई है, तो हम फिर वही दोहराने की बात होगी। और ये लोग ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे, दो उपचुनाव अभी ये हारे हैं जी, गोला भी हारेंगे और अभी रामपुर भी होगा, फिर वो हारेंगे जी, जो इनकी खाली हो रही है। अच्छा, तो ये लोग सपा को, भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को और कांग्रेस को जी, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हमारे दुख और सुख में कौन खड़ा होने वाला है जी, हमको अपराधियों से निजात कौन दिलाने वाला है, अपराध में कौन झोंकने वाला है, ये सब क्लियर हो चुका है। और उन्होंने एक नंबर में भारतीय जनता पार्टी को रखा है, चाहे निकाय चुनाव हो, 200 नगर निकायों का वो हो, और चाहे महापौर का चुनाव हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है सुनील भाई, ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस प्रदीप भाई, भाई यहाँ पर सभी पार्टी बोली आप तो पर्यटन के लिए आते हैं, कोई स्थायी वो नहीं है आपका, पर्यटन करने आते हैं, वो आपको पर्यटन करने के चलते बीजेपी जीत गई है इसलिए लोग हार गए हैं भाई भाई। और निकाय चुनाव में क्या स्थिति है, बोले फिर पर्यटन करने आएंगे यहाँ पर, बताइए किस तरह देखते हैं इस बयान को भाई जी। भाई पर्यटन की बात कर रहे हैं जी, देखिए जो पर्यटन की बात कर रहे हैं जी, कोई पर्यटन नहीं था, एसी में रहने वाले लोग पर्यटन की बात करते हैं जी। जब किसान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कार चढ़ा दी, निर्मम हत्या कर दी कई किसानों की जी, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर कर जी बिल्कुल उनका विरोध कर रही थी, और कुछ लोग एसी में बैठ करके राजनीति कर रहे थे जी, उनकी पार्टी के ही लोग लोगों ने बताया जी, और जो उनके तथाकथित साथी थे उन्होंने भी कहा कि एसी से बाहर निकल करके राजनीति करनी चाहिए जी। तो आज ज्ञान की बातें कर रहे हैं कि पर्यटन की बातें कर रहे हैं जी, जो राज एसी में बैठ करके राजनीति करते हैं, सड़कों पे उतरना जिनको गवारा नहीं है जी, बताइए कौन से प्रदर्शन में अखिलेश यादव जी सड़कों पे उतर करके जी जी, जी। लड़ाई लड़ी लखीमपुर की, आपको याद होगा पंचायत चुनाव में महिला के साथ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने घटना कारित करी, पर्चा छीनने का, उसके ऊपर उसकी साड़ी फाड़ने का काम किया, अखिलेश यादव जी का सड़क पे उतर के आए, तो उसकी भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी जी। तो आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी पर्यटन के लिए नहीं आती है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय नेता है, उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी है, तो उत्तर प्रदेश के प्रभार के तहत उत्तर प्रदेश के चुनाव समय पे वो जी वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो वो दूसरे प्रदेशों में, आज हिमाचल में चुनाव होने वाला है, हिमाचल में भी जा रही हैं, तो आप हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी। जी प्रदीप जी, आप दबाव छोड़िए, आप प्रदेश लेवल के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कभी भी आपने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सड़कों पर नहीं देखा होगा। अच्छा, तो बात वो करे
जो समझ में आता है, ये तो खुद नहीं उतरते सड़कों पे विरोध करने के लिए। अगर विपक्ष में कोई दिख रहा है तो वो आपको दिखेगा कांग्रेस पार्टी, चाहे आप देख रहे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हर एक स्टेप पे देश तोड़ने की बात करते हैं, हर एक स्टेप पे आप देखेंगे तो उसको देश को जोड़ने के लिए अगर कोई पैदल मार्च कर रहा है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आज देखिए कन्या कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के पैदल मार्च कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं हमारे नेता जो है। तो आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी कभी भी कहीं पे भी पर्यटन के लिए नहीं जाती है, पर्यटन के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप देखेंगे तो पर्यटन उनका चलता रहता है। जब चुनाव होता है तो आप देखेंगे जिस प्रदेश में चुनाव होगा उस प्रदेश में मोदी परिणाम तो बेहतर आ जाते हैं भाई। भारत देश के पर्यटन के लिए जाए मार्च करने जाए परिणाम बेहतर आते हैं भाई, परिणाम अच्छे आते हैं। इसे पर्यटन बोले या कुछ भी बोले, बीजेपी पर्यटन करे या कुछ भी करे, जी देखिए कुछ जब बताते ना छलावा कुछ ही दिन चलता है। अच्छा। जिनको तथाकथित तो जुमले बता रहे थे कि 15 लाख और ये सारे जो वादे 2 करोड़ नौकरी रोजगार की बातें करी थी जुमले, तो वो जुमले कुछ ही दिनों तक आप भ्रमित कर सकते हैं देश की जनता को और प्रदेश की जनता को। जब आप बात करते हैं उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर देते हैं, वही 400 का सिलेंडर 1000 के ऊपर पहुंचा देते हैं, तो कुछ दिनों तक तो आप भ्रमित कर सकते हैं, कुछ दिनों तक की तो आप भ्रमित कर सकते हैं प्रदेश की भोली भाली जनता को 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आप भ्रमित कर सकते हैं, मगर ये प्रदेश की जनता और देश का युवा महिला हर वर्ग आपको समझ चुका है। अच्छा। कि आप किसी एक वर्ग के लिए भी नहीं काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं सिर्फ मित्रों के लिए काम करते हैं। आपका पूरा उद्देश्य, आपका एक ही उद्देश्य कि किस तरीके से किसी योजना के माध्यम से अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए, बाकी आप किसी के लिए नहीं है। आप चाहे बेरोजगार की बात हो, आप रोजगार के नाम पे आपके पास शून्य नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे तो आप हर एक पर्चा आता है और वो पेपर लीक हो जाता है, सालों साल भर्ती लटकी रहती है। आप बताते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, भाई आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं तो फिर एक समान रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाइए ना। अच्छा। आपका आप तथाकथित किसी जाति विशेष के लिए वो टॉलरेंस कहाँ चला जाता है आपका भाई। अच्छा। आप जब आपके विधायिका के भाई आपके पकड़े जाते हैं टट के पेपर लीक मामले में तो वहां बुलडोजर गायब हो जाता है। अच्छा। आपके गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या कर देता है षड्यंत्र के तहत प्लानिंग करने के बाद में, तो आपका बुलडोजर क्या उनके ऊपर चला, वहां नहीं चलता है। तो आप जो है वो चूजी लोग हैं, आप देख करके काम करते हैं कि कहां पे ऐसी चीज कार्रवाई करी जाए कि जिससे 80-20 की बात जो करते हैं उस 80 वाले किसी एक वर्ग की बात नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये कार्य कोई डिबेट ही नहीं होती, 80-20 की बात ना है जी। नहीं 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 मैं देखिए आप काम कर, जब आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति तो भाई वो टॉलरेंस कहाँ चला जाता है। गौरव जी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है। क्या आशीष मिश्रा के घर पे बुलडोजर चला जी? क्या आशीष मिश्रा के घर पे बुलडोजर चला? इसका कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, आशीष मिश्रा के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला बताइए। ठीक है, जवाब लूंगा अभी अश्विनी भाई से, पहले प्रवक्ता रालोट को लेता हूँ। बीर भाई चर्चा विषय महत्वपूर्ण है और आपकी भी वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है, सहयोगी डालना समाजवादी पार्टी के। महत्वपूर्ण चुनाव है, निकाय चुनाव है, तैयारी कैसी है और इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए नगर निकाय चुनाव को लेकर के हमारी तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। अभी हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जनसभाएं की। साथ में लड़ेंगे क्या? अकेले लड़ेंगे? नहीं, साथ में लड़ेंगे, हमारा साथ में गठबंधन है। अच्छा। और हम साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और साथ साथ ही हम लोग साझा कार्यक्रम चला रहे हैं, उसी के तहत हम सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। अकेले लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं है, मैं तो कई बार इस बात को आपके सामने रख चुका हूं। जी। और हमारे सारे कार्यकर्ता जी गोला में चुनाव मैदान में हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी पीलीभीत में हमने 2 दिन पहले नगर निकाय चुनाव को लेकर के एक बड़ी जनसभा की है जिसमें करीब 10-12 हजार लोग शामिल हुए हैं, तो वो सारी रूपरेखा हमारी चल रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। अच्छा। आप देखिए कि अभी जी हेड स्पीच को लेकर के जी आजम खान जी की सदस्यता समाप्त कर दी जी। ठीक है, कानून के तहत जो होना चाहिए वो हुआ जी, लेकिन विक्रम सैनी जी भी जी 2 साल की सजा पाए हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जी, उनकी आज तक सदस्यता समाप्त नहीं की गई। अच्छा। इस बात को अब जनता बखूबी जान रही है जी। आज हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को पत्र भी लिखा है जी। और वो पत्र शायद आपके पास मौजूद भी होगा जी, कि आखिर ये दोहरा पैमाना क्यों जी,
इस दोहरे पैमाने को तो समाप्त किया जाना चाहिए। अगर उनकी सदस्यता आप इतनी जल्दी समाप्त करते हैं तो जो आपके सत्ता पक्ष का विधायक है उनकी भी सदस्यता को अगर आप तत्काल समाप्त करेंगे तो ये माना जाएगा कि कानून का दोहरा मापदंड नहीं है। अच्छा। ऐसा होना चाहिए। अच्छा। दूसरी चीज रही बात कानून व्यवस्था को लेकर के, ठीक है सरकार कानून व्यवस्था को अच्छा करने का प्रयास करती है जी। लेकिन लगातार घटनाएं हो रही हैं जी। आज ही जी। आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है जी। कि बाराबंकी में एक दलित बेटी को अच्छा। दबंगों ने बुरी तरह से पीटा अच्छा। और उनके घर में घुस करके 2 साल पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जी। और अब उसके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आपने बयान न बदले तो हम आपके पूरे परिवार को समाप्त कर देंगे। और बीती रात उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से पूरे परिवार की पिटाई की। तो जैसे अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई सरकार करती है उसके साथ साथ अपराध पर अंकुश लगाने वाले जो नाकाम अफसर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है। अच्छा। उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए जी। आप किसी भी लेवल पर जाए कभी भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा। दूसरी चीज जी अब आ जाइए आप भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस को लेकर। एक सवाल मेरा रहेगा आपसे मिश्रा जी जी, आपने कहा कि वहां पर सरकार कानून व्यवस्था पे फेल हो चुकी है, इस तरह हो रहा है तो फिर क्या करने जाएंगे? विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार की नींद खोलेंगे या ज्ञापन देंगे या फिर डिबेट में बोलेंगे? हम डिबेट में भी बोलेंगे, आपके माध्यम से जन जन तक यह बात पहुंचाएंगे जी। हम सड़क पर उतरेंगे कब? और हम सदन में इसका विरोध करते आए हैं। अच्छा। और करते रहेंगे। अच्छा। समस्या यह है जी कि सरकार पहले तो सदन को चलाती नहीं। अच्छा। और सरकार जब सदन का संचालन की व्यवस्था होती है जी तो सरकार का जो जवाब रहता है किसी भी प्रश्न का वो बहुत शॉर्ट में जवाब रहता अच्छा। है। पहली चीज तो सरकार जवाब देना नहीं चाहती जी। और अगर सरकार का जवाब आएगा तो वो बहुत छोटा सा जवाब आएगा जी। सरकार किसी भी तरीके से विपक्ष के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना। तो सड़क पर पूछ लीजिए ना, सड़क पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं? नहीं, हम सड़क पे उतरे, हम सड़क पे उतरे हैं। हमने अभी 22 तारीख को जी किसानों की एक बड़ी पंचायत की है शामली में जी, गन्ना भुगतान को लेकर के, चीनी मिल के आधुनिकीकरण को लेकर के। अच्छा। आप बताइए किसानों की बात जब सरकार करती है तो जो सरकार की मिलें हैं जी उन मिलों के मशीनों का आधुनिकीकरण सरकार क्यों नहीं कर रही? अच्छा। हमने इस बात को लेकर के बाकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी हमने शामली में एक बहुत बड़ी पंचायत की है। अच्छा। और सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया है जी। क्या सरकार इस पर काम करेगी? और पिछले साल गन्ना मंत्री जो वहां थे उनको हम ही ने हराया है, क्योंकि उनके वहां के क्षेत्र की जो गतिविधियां थी उससे वहां की जनता त्रस्त हो गई थी, हम ही ने उनको चुनाव हराया है। और लगातार हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। आप बताइए इस समय धान की खरीद हो रही है जी। धान खरीद का जो पोर्टल था जी, एक मिनट में बात खत्म कर दूंगा। धान खरीद का जो पोर्टल है खाद्य रसद विभाग का, उसके ऊपर एक खरीद सारांश आता था, उसके माध्यम से किसानों को यह पता चलता था कि किस जनपद के किस क्षेत्र में कौन सा धान खरीद केंद्र है जहां हम अपना धान बेचने जाएंगे। सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ गत वर्ष, इस बार उन्होंने खरीद सारांश को ही पोर्टल से हटा दिया। अच्छा। कल मैंने सरकार में बैठे हुए सेक्रेटरी साहब से बात की कि आखिर इसको क्यों हटाया गया, वो कह रहे हैं मैंने नहीं हटाया। अच्छा। मतलब इनके अधिकारियों को भी क्या इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कौन सा पोर्टल से ऑप्शन हटाया जा रहा है और कौन सा पोर्टल नहीं हटाया जा रहा है? ठीक। अब हमको आप ये बताइए कि क्या सरकार आपके माध्यम से जानकारी होने के बाद इस पोर्टल को ठीक करेगी और किसानों को जवाब लूंगा, जवाब देगी? जवाब लूंगा, जवाब लूंगा। हमारे साथ पवन श्रीवास्तव भाई बैठे हैं। पवन जी, मैनपुर चुनाव है गोला गोकर्णनाथ का भी, उसके निकाय चुनाव है, जिस तरह यहाँ पर आपने देखा कि कांग्रेस सपा भाजपा रालोद सब तैयारियों में लगे हुए हैं, समय पार्टी कहना है बीजेपी के दौरा चरित्र, मिश्रा जी कहना है कि काम सही नहीं है, प्रदीप कांग्रेस जो हमारे हैं प्रदीप तिवारी भाई उनका कहना है कि पर्यटन कांग्रेस नहीं करती, मजबूत हो रही है। आप कैसे मूल्यांकन करते हैं इस बात का? अभी करना जरूरी है क्या? जी जी बोलिए। माननीय सपा प्रवक्ता जी थोड़ा सा देख ले जी। भवन जी सुनिए, डिबेट चालू है, डिबेट पे बैठे हैं परिवार पे। भवन जी 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 बोलिए। तो भवन जी बोलिए। गौरव जी जी, ये एक प्रयास है जी जो विपक्ष की पार्टियां कर रही है जी। गोला विधानसभा का जो चुनाव है लखीमपुर का जी, लखीमपुर खीरी का जी, उसको पहले आप समझिए जी।
और समझने के बाद में एक चीज ये जानिएगा जी कि जो भारत की राजनीति है जी वो हमेशा सहानुभूत पे बनती है जी बिल्कुल समझिएगा हमारे यहाँ विकास हो इसमें अब तो विकास आने का शुरू हो गया है जी बिल्कुल योजनाएं आ रही हैं तमाम चल रही हैं लेकिन इसके पहले का भी है सहानुभूत जी तो सहानुभूत अगर गिरी के परिवार को मिल रहा है ध्यान दीजिएगा सर तो उसको तोड़ा कैसे जाए जी उस विधानसभा में ना कांग्रेस ने उम्मीदवार अपना उतारा है जी ना ही बसपा ने उम्मीदवार उतारा है जी ना ही रालोद ने उतारा है जी मेरी बात तो समझिएगा किसी पार्टी ने नहीं केवल समाजवादी पार्टी ने उतारा है एक जो कहा जाता है कि किसी भी तरह से भाजपा हटाइए जी किसी भी तरह से जी हमारे विचार न मिल रहे हों तब भी हम एक साथ हो जाएंगे जी हमारे नेचर न मिल रहा हों तब भी हम एक साथ हो जाएंगे जी ठीक है तो वो किसी भी तरह से वो भाजपा के प्रत्याशी को हराने की बात चल रही है जी अब वहां पे कुर्मी और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम जी ये दो जातियां सबसे ज्यादा हैं जी बिल्कुल तो अगर मुस्लिम का ये प्लानिंग ये है इन लोगों का कि एक प्रत्याशी होगा तो कांग्रेस में नहीं जाएगा बसपा में नहीं जाएगा जी बिल्कुल सब मिलाकर के सपा में आ जाएगा जी तो इसका सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कुर्मी का जो वोट है जी ठीक है वो भी एक पक्ष में ही जाना है जी बिल्कुल या हिंदुत्व का पूरे हिंदुत्व की बात हम कर रहे हैं जी क्योंकि जब आप राजनीति जातियों से लेके आते हैं तो वहां पे जो सेकेंड होता है जो समाजवादी पार्टी को भी वोट देना चाहता है तो ये देखता है कि सब मिलकर के भाजपा को हराना चाह रहे हैं जी ऐसा क्या कमी है भाजपा में जी समझिएगा जी विचार से नहीं हराना चाह रहे हैं जी अपने मुद्दे से नहीं हराना चाह रहे हैं सब मिलकर के हराना चाह रहे हैं तो वो जो उसके बाद की जो 80-20 की रेशियो की बात कर रहे हैं वो एक साथ होकर के वो भाजपा का साथ दे देते हैं जी इस बार भी जो हमारा मूल्यांकन है जी चुनाव शुरू हुआ है चुनाव कैसे जीता जाता है चुनाव शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के जितने भी हाई लेवल के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो सब पहुंच चुके हैं जी बिल्कुल आज हम पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि चाहे जुगल किशोर जी हैं और भाजपा में प्रवक्ता हैं लखीमपुर खीरी के हैं डेरा जमाए हुए हैं ध्यान दीजिएगा आप किसी को भी देखिए उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं प्रभारी वहां के हैं डेरा जमाए हुए हैं एक महीने पहले की बात हम बता रहे हैं तमाम मंत्री वहां पे डेरा जमाए हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री तमाम समझिएगा मुख्यमंत्री तो है ही डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं सब हो चुका है तो और उनके यहाँ ये अपर लेवल हो गया अब आप लोअर लेवल पे आइए तो जो उनके यहाँ मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री होता है सबसे कारगर होता है वो घर घर पहुंच रहे हैं अपनी बातें रख रहे हैं कैसे जीतना है उसकी रणनीति तय कर रहे हैं या ट्विटर से थोड़ी खेल रहे हैं अच्छा। तो अखिलेश यादव जी हैं समझिएगा अब तो एक तो कम से कम एक उनके ऊपर एक जो डांटने वाले व्यक्ति कभी कभार बात माने न माने लेकिन पिता होता है डांटते हैं वो भी नहीं है जी समझिए अब इनको मेहनत करना होगा सपा को बहुत मेहनत करना होगा जमीनी स्तर पे मेहनत करना होगा अपने कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत करना होगा जी बिल्कुल जो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझते ये सब भाजपा से सीखने की आवश्यकता है अब यहाँ पे ये नहीं है कि हम भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं जी ये सब बिल्कुल नहीं है आप उनकी तरह बनिए आप जनता के लिए आ पाइए जिसे रोजगार नहीं है ध्यान दीजिएगा सर उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी है ये सच है अब उस रोजगार के लिए आप सड़क पे उतरिए आप सड़क पे उतरना नहीं चाह रहे आप जनता के बीच में आना नहीं चाह रहे यही भाजपा सरकार के जब विपक्ष में हुआ करती थी भाजपा तो स्मृति ईरानी जी है सड़क सड़क पे सिलेंडर लेके बैठती थी चौकी चूल्हा लेके बैठती थी आपके यहाँ नेता नहीं है क्या बैठने वाले आप बैठिए तो आप जो मुद्दे हैं उस पे नहीं आ रहे हैं आप सब मिलकर के भाजपा को हराना चाह रहे हैं तो ये गलत मैसेज जा रहा है और उससे मुझे लग रहा है कि भाजपा के रिजल्ट भी वहां भी पॉजिटिव आने वाला है जो हम लोग देखे अपना मुआयना किए हैं उससे मुझे लग रहा है और बहुत अंतर से आ रहा है एक तो सहानुभूति उनको मिल रही है एक चीज और दूसरी चीज इनके यहाँ के जो मंत्रिमंडल और कार्यकर्ता लग करके चुनाव लड़ रहे हैं ये होना है और तीसरा जो बसपा और कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं किया कि मुस्लिम वोट सब मिला के सपा में आ जाएगा ये भी गलत जा रहा है यानी सामने के कुछ वोट भी भाजपा को आ रहे हैं इस बार ये आप देख लीजिएगा गौरव जी तो मानना ये पर्यटन की बात हो ये नोकझोंक केवल दिखाने वाली है ये कुछ नहीं है अच्छा। ये एक कहावत है उसका इस्तेमाल उचित नहीं हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय लोग हैं लेकिन ये अपनी पार्टी को बताएं जी कि कैसे मेहनत करना है आप किसी को हराने के लिए बेजोल जो है मेल मत करिए आप जी आप लोगों की मन तो एक नहीं है जबरदस्ती मिल रहे हैं आप देखिए इसी चुनाव में
पहले 22 चुनाव में आप देखिए राजभर को लेके आ गए, मेल नहीं था, चाचा से मेल नहीं है, पार्टी बना दी है, समझिएगा, बहुत सारे लोगों को लेके आए, आज वो टूट टूट के किनारे हो रहे जी। तो एक फिर हम कहेंगे, एक दोहा हम सुनाएंगे रहीमन धागा प्रेम का जी, है ना सर जी, बाकी आप पूरा कर देंगे जी बिल्कुल। मत तोड़े चटका है, टूटे से मत जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए जी। तो ये तो उस माले में जो मोतियां हैं वो मोतियों की गलती नहीं हो सकती, हो सकता है वो धागे की गलती जी, बिल्कुल। धागा अखिलेश यादव की बात हम कर रहे हैं और मोतियां यानी राजभर जी हो सकते हैं, शिवपाल जी हो सकते हैं, सपा के बहुत सारे कार्यकर्ता हो सकते हैं जो उनसे दूर हो रहे हैं, इसीलिए अखिलेश जी को सोचना चाहिए। फिलहाल गोला में जो हो रहा है उस हिसाब से देखा जा रहा है, एक तरफा चुनाव है जी, बाकी तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। भुवन जी कुछ कहना चाह रहे थे अश्विनी जी की बात पर, और प्रदीप भाई भी बोले हैं कि आपकी पार्टी पर्यटन करती है, एसी में बैठी रहती है, तो आप किसी पे इस तरह के आरोप नहीं लगाएं, जवाब दीजिए भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं गौरव भाई तीन लोगों के जवाब देना चाहता हूं यहां पर जी, बोलिए। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राजनीति विश्लेषक साहब ने कुछ प्रश्न करे, उनका पत्रकार है भाई, पत्रकार विश्लेषक नहीं है, पहले नहीं, मैं उनको उनका एक विषय गलत था, शुरुआत वहीं से कर देता हूं, वहीं से कर दीजिए, कोई सुनिए। आदरणीय विश्लेषक साहब, आदरणीय विश्लेषक साहब ये कह रहे थे जी कि वहां पर लोकदल भी नहीं लड़ रही है, तो निश्चित तौर पे इनको कहना चाहता हूं कि गठबंधन में एक ही पार्टी लड़ती है, गठबंधन में सहयोगी दल नहीं लड़ता, ठीक है, ठीक, बस इनके लिए इतनी त्रुटि थी इनकी जी। धन्यवाद, कांग्रेस और बसपा का तो बता दीजिए श्रीमान, धन्यवाद। कांग्रेस और थोड़ा सा आपकी इस बात का भी जवाब दे दूंगा, मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करना है, समझ लीजिएगा। अब आ जाते भारतीय जनता पार्टी के जो काबिल प्रवक्ता है हमारे, यहाँ पर कह रहे थे इन्होंने जो नोटिस गया है माननीय अखिलेश यादव जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इनका फैसला भी इन्होंने स्वयं कर दिया है। अच्छा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो जानते हैं व्यक्तिगत रूप से भी गौरव भाई, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, कानून में जब कभी नोटिस दिया जाता है उसका एक समय अवधि होती है, उस समय अवधि में उस नोटिस का जवाब भी दिया जाऊंगा, दिया जा रहा है, पार्टी की ओर से जवाब भी दिया जाएगा तय समय पर, और निश्चित तौर पे इतनी जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी ना दिखाए। अच्छा। और ये आज न्यायालय की जो व्यवस्था है उसमें जजमेंट सुनाने का काम ना करे। अच्छा, ठीक है। नंबर दो में आ जाता हूँ, अभी इनका इन्होंने जो विषय दिया था हमको नोटिस के साथ साथ, इन्होंने कहा ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि यहाँ पर रामपुर का जब उपचुनाव होगा तो भी हम जीतेंगे। हाँ। मैं अश्विनी भाई से कहना चाहता हूँ, अभी आप राजनीति में है और काफी गंभीर व्यक्ति है, लेकिन इस तरह की हंसी टटोली की बातें ना करें। अच्छा। आप ज्योतिष नहीं है, ये प्रदेश की और देश की जनता है जी। आपकी आपको आप शायद अपना इतिहास भूल गए हो, मैं आपको आपका इतिहास याद दिला देता हूँ, क्योंकि मैं शायद आपसे थोड़ा उम्र में भी और अनुभव में भी बड़ा हूँ। 27 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 सांसद थे आपके, ये सत्ता कभी किसी की सकी नहीं हुई है। अच्छा। इंदिरा गांधी जी जो देश के लिए विश्व की नेता थी वो हार गई और उनकी जमानत जब्त हो गई जी। और ये अटल जी जो विश्व स्तर के नेता थे और जब वो गए तो पता भी नहीं चला। अच्छा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इनको घमंड आ गया, अहंकार आ गया है, यही अहंकार इनका अंत करेगा। और मैं अब आना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के साथी को, कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी है वो बता रहे थे वहां पर कि प्रियंका जी आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज पूरा देश देख रहा है बेटी बेटी के बेटियों के लिए जो इन्होंने ना लड़की है लड़ सकती हो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भारतीय जनता पार्टी क्या। हाँ। इनको इन्होंने कहा था, प्रियंका जी जब आई थी यहाँ पर यूपी में तो इन्होंने कहा था कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान में इनकी बेटी नहीं लड़ सकती है। अच्छा। क्योंकि वहां पर इनकी सरकार है। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का ताजा संज्ञान देना चाहता हूँ देश और प्रदेश को आपके चैनल के माध्यम से, वहां पर लड़कियों की खरीद और फरोख्त का एक नया मामला है। अच्छा। आप गौरव भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपने इस विषय को संज्ञान लिया होगा, वहां पर स्टाम्प में लड़के और लड़कियों को बेचने का काम हुआ है। अच्छा। तो निश्चित तौर पर इनको उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है इनको आईना दिखा चुकी है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक शक्ति है, हम तो सांप्रदायिक शक्ति कहेंगे इन्हें, उनसे कोई लड़ सकते हैं तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी और एक कांग्रेस के नेता आज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पे जो कह रहे थे, मैं इनसे कहना चाहता हूँ पूरे देश और प्रदेश ने देखा, माननीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर विधानसभा तक कूच करे थे और हमारे जो विधायक थे, लेकिन वो कांग्रेस को दिखाई नहीं देगा और कांग्रेस को दिखाई देना भी नहीं चाहिए। अरे वो तो लखीमपुर घटना के बोल रहे थे भाई, क्या लखीमपुर घटना में सबसे पहले प्रियंका गांधी गई थी। जाना चाहता हूँ आज आपको लखीमपुर में, जो वहाँ के जो MP है, जो वहाँ के गृह राज्य मंत्री है, अभी उन्होंने कहा वहाँ पर किसान इनको जवाब देने जा रहा है गोला में,
क्योंकि इन्होंने कहा था कि किसान के नेता को कहा था कि उनकी क्या औकात है। अच्छा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उनकी उनके जो शब्द है किसानों के नेता के लिए जो अपमानजनक शब्द है वहां का किसान इसको अनुकूल समय में जवाब देगा। आप ये गौरव भाई मेरी बात को लिख लीजिए और निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ प्रदेश और देश जान चुका है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। प्रतिभा ये बार और भी कहे थे ना कि लखीमपुर घटना हुई थी तो अखिलेश जी निकले नहीं थे और प्रियंका जी लखीमपुर पहुंच गई थी बचते बचाते संघर्ष करते हुए। मैं इनको बताना चाहता हूँ अभी हमारा प्रतिदिन लखीमपुर की एक घटना और हुई थी बेटी के साथ। अच्छा, शायद इनको संज्ञान नहीं है विषय का। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी पार्टी की अखिलेश जी गए थे क्या? बड़ी बहन आदरणीय जुई सिंह जी गए थे क्या? आप जब इनके 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 जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अगर वो कहीं नहीं जा पा रही है तो क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अपना प्रतिनिधित्व भेज रहे हैं? आपका कौन सा प्रतिनिधित्व गया वहां पर? निश्चित तौर पे इस तरह की बातें ना करें। ये देश और प्रदेश आपको बहुत गंभीरता से ले रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर विषय का संज्ञान लेते हैं गौरव भाई, ये आप जानते हैं। और अपनी मदद ये आप भी मानेंगे, पूरा देश प्रदेश जानता है। आर्थिक मदद पार्टी स्तर पर अगर पूरे देश में कोई कर रहा है तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जो योगी सरकार के द्वारा जो पीड़ित होते हैं उनकी आर्थिक मदद का काम भी पार्टी स्तर पर कोई कर रहे हैं तो केवल माननीय अखिलेश जवाब ले रहे। सुनी भाई, काफी लंबी लंबी बातें कही उन्होंने, बताई आप, बताया कि आपने फैसला स्वयं कर दिया है, अब अभी होती जवाब की, जवाब दे देंगे, आप क्यों फैसला कर रहे हैं? देखिए गौरव जी, हम फैसला नहीं कर रहे हैं जी, और कानून के शिक्षक भी हैं माननीय जोशी जी जी, और इनको पता है अभी तक जवाब नहीं आया। और एक नेता का मैंने जिक्र किया था उसमें से उनका जवाब नहीं जा पाया है जी, कि 20,000 वोट हर विधानसभा में कहां कहां मुस्लिम और यादव का काटा गया है जी। तो वो मैंने ये कहा कि जल्दी ही वो एक महान झूठा अध्यक्ष साबित होने जा रहे हैं जो बगैर कागजों के आरोप लगाते हैं। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा हो गए हैं जी, मैंने कोई वो नहीं कहा, मैंने कहा होने जा रहे हैं जी। ये आशंका है, आशंका वो कोई भी जता सकता है, कयास कोई भी लगा सकता जी। रामपुर चुनाव की दूसरी बात, लखीमपुर की बात आ गई जी। लखीमपुर में अभी इन्होंने किसान जवाब देने जा रहा है, ये करना, अरे भाई अभी 2022 का चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी बड़ा मजबूत लड़ी है और लखीमपुर के कितने सीट ये लोग जीते हैं इनको पता होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए जी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि लखीमपुर का किसान ये जानता है कि कौन वहां पर झाड़ू लगाने जाता है जी, और कौन वहां जाने के नाम पर लखनऊ के गौतमपल्ली में जीप फुकवाता है जी, कौन वहां पर मरहम लगाने जाता है जी, ये सब पता है जनता को और जनता उसी के हिसाब से वोट देगी। और हम भविष्यवक्ता नहीं है जोशी जी, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर का अभी चुनाव ने आपको बता दिया है कि समाजवादी पार्टी किस लेवल पर है जनता की नजर में जी, और वही अभी चुनाव होने दीजिए, अभी वहां भी पता चल जाएगा कि हम कहां हैं। ठीक है। और अभी लखीमपुर के चुनाव पर हम बोल रहे हैं, इसके बाद आइए नगर निगम के चुनाव में। नगर निगम के चुनाव में हमारी जो चीजें हैं पवन जी ने बहुत बढ़िया समीक्षा की, मैं साधुवाद देता हूं उनको, निष्पक्ष समीक्षा किया, लेकिन जब निष्पक्ष समीक्षा होती है तो विपक्ष के लोग क्वेश्चन मार्क लेकर खड़े हो जाते हैं। भाई राजनीतिक विश्लेषक है, पत्रकार है, जो भी है अपना विश्लेषण कर रहे हैं, पवन जी बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं जी। तो पवन जी ने आपको बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पर मेहनत कर रही है और ये लोग कहां पर्यटन कर रहे हैं और कहां मेहनत कर रहे हैं। बोलिए बोलिए पवन जी, क्या बोल रहे थे आप, जल्दी बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पवन जी बहुत अच्छे विश्लेषक है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो भी इंसान है और इंसान से गलती हो सकती है। अच्छा। उन्होंने जब लोकदल का विषय कहा कि लोकदल भी नहीं खड़ी हो रही, लोकदल कैसे खड़ी हो रही है? बोल तो दिए, बोल दिए, वो तो बोल दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जो उन्होंने टोटल विश्लेषण किया, जो पूरा विश्लेषण किया, उसमें केवल यही बात गलत थी कि बाकी सब गलत थी? एक ही बात गलत थी, बाकी तो ठीक लगा आपको? बिल्कुल मेरी, मैं हमें एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अपने रालोद के सदस्य को जवाब दे सकता हूं क्या? बिल्कुल सही जी, स्वागत। रालोद के सदस्य ने एक सवाल उठाया कि एक की विधायकी गई है तो दूसरे की क्यों नहीं? तो ना तो इस प्रवक्ता को पता है और ना इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 2 साल से ज्यादा सजा पाए हुए व्यक्ति को वहाँ सदस्यता से हटाया जाता है, उनकी सदस्यता निरस्त होती है। अच्छा। 2002 में जिसमें सुधार किया गया था कि सजा के, जैसे मान लीजिए कि 2 साल की सजा हुई, 3 साल की सजा हुई जी, तो 3 साल बीतने के बाद उसके पहले चुनाव लड़ सकते थे, 6 साल के लिए रोक लगती थी जी। अब सजा की अवधि प्लस 6 साल जी,
अब ये संशोधन 2002 में किया गया है जी। तो ना जयंत चौधरी जी को पता है ना उनके पार्टी के प्रवक्ता को पता है कि असली बात ऐसा है कि सब पता है, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं शाही जी।, जी प्रवक्ता को भी पता है और चौधरी जयंत सिंह जी जो हमारे नेता हैं उनको भी पता है कि दो साल की सजा होने पर सदस्यता समाप्त होगी, लेकिन आजम खान जी की समाप्त होगी, आपके पार्टी का विधायक है इसलिए समाप्त नहीं होगी। अरे मैं कह रहा हूँ आप लीगल नोटिस दीजिए ना कि हमने गलत चिट्ठी लिख दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने गलत पत्र लिख दिया है, आप चैलेंज करेंगे इसको? आप गलत कह रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है इस बात की, आप इसको ठीक पता करके आइएगा, आपको इस बात का पता नहीं है। हमने लीगल जानकारी करने के बाद जयंत चौधरी जी ने उनको पत्र लिखा है और आपके यहाँ पत्र वो आ चुका है और बाकायदा मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है और उसके ऊपर बहस चल रही है, आपके पास जानकारी नहीं है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के पास जानकारी नहीं है और उसके बावजूद भी उसके ऊपर लंबी बहस है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दो साल की सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त होगी, ये बाकायदा लीगल प्रोसीडिंग है और हमने उसको लिख करके दिया है और बाकायदा पत्र गया हुआ है। आपको जानकारी नहीं है, आप अपनी जानकारी ठीक करिए महोदय। प्रवक्ता को भी जानकारी है और हमारे नेतृत्व को भी जानकारी है अच्छा। और इसकी विधिक जानकारी भी मेरे पास है, आप जहाँ बताइए वहाँ आपको मैं उसकी जानकारी भेज देता हूँ। अच्छा, तो आपके कहने का जवाब जाएगा जी प्रदीप भाई? पत्र का जवाब तो हमको जाएगा ही जाएगा जी, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं कर दी गई अब तक जी? पत्र के जवाब से काम थोड़े चलेगा, सदस्यता समाप्त करके भेजिए सूचना कि मैंने सदस्यता समाप्त कर दी है। ठीक है, और मैंने अरे कैसे नहीं, गलत क्या है, गलत तो आप पहले ही कर चुके हैं जी, गलत तो आप लगातार करते ही हैं जी। ठीक है, ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर नहीं चलेगा, बुग्गी नहीं चलेगी, चौधरी के पास सही का ठेका है। हाँ सही का नहीं, आपके पास ठेका है ना बैसाखी पर चलने वाले रालोद के, जयंत चौधरी जी के ऊपर आप जैसे लोगों पे टिप्पणी करने की क्षमता नहीं है। आपके जैसे लोग चौधरी जयंत सिंह के गेट पे बैठ करके घंटी सुनते हैं, श्रीमान जी कहाँ है आप? अरे चौधरी जयंत, अरे छोड़िए आप, उनकी आप बता रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, किसको जानकारी नहीं है? आपको जानकारी है, आपको जानकारी है इसकी? आपको कोई जानकारी नहीं है, आप हमारे नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, सम्मान जनक भाषा का प्रयोग करिए। मर्यादा बता रहा हूँ, आप मर्यादा के बाहर बात कर रहे हैं। आपने पहले कहा एक प्रवक्ता को जानकारी नहीं है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप औकात में रहिएगा अपने। भाई मर्यादा बता रहा हूँ, आपके आप अमर्यादित भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं पहले। आप अरे आपके जैसे लोग बैठे वहाँ उक्का भर रहे हैं, कहाँ हैं आप जी? क्या आइडियोलॉजी है उनकी, क्या आइडियोलॉजी नहीं है आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है? अरे हमारी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी जीवन में आप लोग पा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है ये धार्मिकता में देश को झोंक करके और पूरी जनता को मूर्ख बनाना और मूर्ख बना करके उससे वोट बटोरना। आप बताइए आपकी क्या आइडियोलॉजी है? आप अपनी आइडियोलॉजी बताइए ना। पूरा देश जान गया है आपकी आइडियोलॉजी। आप किसान विरोधी हो गया, आप छात्र विरोधी हो गया, हो गया किसान विरोधी, ठीक है आप विपक्ष विरोधी, ठीक है जयंत सिंह को पता नहीं है, सारी जानकारी आप लोगों को है ना। ठीक है आप लोग सर्वज्ञ हैं। जयंत सिंह के पोता होने के अलावा कुछ है उनके पास? क्या नहीं है आप बताइए, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वेद प्रकाश जी हाथ जोड़ रहे हैं। एक तो डिबेट पे है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, बिल्कुल आपकी भाषा, आपकी संयम, ये सब बहुत आवश्यक है। प्रवक्ता की लिस्ट में अगर आप बैठ रहे हैं तो बहुत दूर तक बातें जाती है। जी बिल्कुल। अब जिस विषय पे आप लोगों का नोक झोंक हुआ है,
उस विषय पे अगर हम आ जाएं तो 2002 में जनप्रतिनिधि अधिनियम लागू किया गया भारत में, समझिएगा, जिसमें 6 वर्ष के लिए सदस्यता हटा दी जाती है 2 साल पूर्व होने के बाद, समझिएगा सर। यहाँ पे देखिए नियम कानून की बात होती है, वहाँ भाजपा ने नहीं किया, कोर्ट ने किया, ध्यान दीजिए मेरी बात को वेद प्रकाश जी। और एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज जो है अश्विनी जी ने अभी जो भी कुछ कहा, थोड़ा सा कहा तो ज्यादा भाई साहब ने किया, दोनों लोगों ने किया से, क्योंकि वहां पे जैन जी की बात हो रही थी, जैन जी हमारे अच्छे मित्रों में से हैं और वेल क्वालिफाइड और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। अश्विनी जी आप भी मिले होंगे, बहुत नेक इंसान है, अच्छे आदमी है, आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, और तो अच्छे वक्ता जैसे लोग हुक्का भरते हैं। नहीं नहीं नहीं, कल हमने इसलिए रोका, हम अश्विनी जी हम बोल रहे हैं, अश्विनी जी नहीं आप रुक जाइए, वेद प्रकाश जी रुक जाइए, वेद प्रकाश जी आपने कहा तो जिसे कहने का मतलब जो अश्विनी जी ने कहा वो आपकी बातों पे कहा था, आपने कहा कि ऐसा नहीं है उनके विधायक को क्यों नहीं हुआ है, वो प्रवक्ता बीजेपी ने इसलिए कहा कि उसमें नहीं 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 गलत बात है, चिल्लाने से नहीं 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 चिल्लाने से मतलब नहीं होगा। तो आप अगर कह रहे हैं, सुनिए, अगर आप कह रहे हैं नहीं रिप्ले क्या आप है बैठे हैं, सुनिए, अगर आप अगर अभी अभी आप कह रहे हैं कि आजम की सदस्यता गई, बीजेपी की प्रत्याशी की विधायक की सदस्यता क्यों नहीं गई, अगर इसमें ये कह रहे हैं कि कोर्ट का डिसीजन जो सही है 2002 में आया है, अधिनियम जो आया है उसके तहत गया है, अगर वो आप नहीं मानेंगे तो कोई भी प्रवक्ता होगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, वो कहेगा कि आपको उसकी जानकारी नहीं है, इसको सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। नहीं वेद प्रकाश जी कहने का भी एक तरीका है, वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी कहने का अब आप जो है अगर आपका बात के सम्मान वो नहीं करते, अश्विनी जी आपकी बात का सम्मान नहीं करते, आपने कहा उनके गेट पे हुक्का भरते हैं, बैठते हैं, टेलीफोन उठाते हैं, ये सब शब्द मर्यादित है, सरकार से प्रश्न पूछूंगा, सरकार उसका उत्तर हमको दे या ना दे, लेकिन अशिष्ट और असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, पवन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी बोलिए, प्रतिभा अग्रवाल लेना है हमको। हम केवल इतना ही कहेंगे, गोला की बातचीत चल रही है, इसको सब्जेक्ट को किनारे कर दे, गोला विधानसभा की जो चल रही है, आज की स्थिति जो चल रही है, लड़ाई से बहुत दूर है जी। इस सच्चाई को अगर एक्सेप्ट कर लेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत अच्छा होगा, और इससे इनको एक सीख लेकर के एक उपचुनाव और आ रहा है रामपुर का, और उसमें कड़ी मेहनत करें, समय है, मेहनत करें, जमीनी स्तर पर मेहनत करें, जीत इनकी भी होगी, आप लेकिन धरातल पे आ पाइए, आप केवल ये देख रहे भाजपा को हराना है, भाजपा की कमियां निकालनी, अब कमियां जिसे रालोद के ने भी प्रवक्ता जी ने कमी निकाल दी, समझिएगा, भाजपा की क्यों उनका हो गया आजम जी का, भाजपा के क्यों नहीं हुआ, अरे उसमें आप नियम पढ़िए, आप नियम के साथ चलेंगे जी। कोई भाजपा नहीं कर रही है जी। ये हमारी कोर्ट कर रही है, न्यायालय कर रहा है जी। किसी के आप न्याय सभी को मिलेगा, वो भाजपा का अगर एक कत्ल कर देंगे इनको भी जाना है अंदर, भाजपा को उससे क्या मतलब है भाई, भाई इनके यहाँ विधायक का हुआ नहीं, शंकर जी का हुआ नहीं जी, बिल्कुल हुआ, कितने सारे उदाहरण है भाई, ये सब ये नहीं होता है। ठीक ठीक, बाकी राजनीति आप लोग भाई, आप लोग बड़े राजनीतिक व्यक्ति, मेरा सवाल भी रहेगा, कुछ भी कहेंगे। प्रदीप भाई अपनी बात कहिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था डिबेट का, बताइए प्रदीप भाई जी, प्रदीप जी अपनी बात पूरी करिए जी। को लेकर के चिंता उनकी दिख रही थी, मगर वो भूल जाते हैं, उन्हीं के सरकार के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को भूल जाते हैं वो। अच्छा, किस तरीके से अखिलेश यादव का संरक्षण घटना कारित होने के बाद, संज्ञान में आने के बाद भी अखिलेश यादव जी का संरक्षण उनके ऊपर था जी। तो आप तो अगर बेटियों की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके मुंह से चीजें शोभा नहीं देती, और भारतीय जनता पार्टी आपसे एक कदम और आगे है।
अच्छा। वो बेटियों की बात अगर करे तो कुलदीप सेंगर उनके सामने आ जाते हैं, जिसके समर्थन के लिए सांसद साक्षी महाराज को लगा दिया जाता है। कैसे कैसे लोग हैं आपके पास में उदाहरण के लिए। बात करने के लिए आज हम बैठे थे नगर निकाय चुनाव की, नगर निकाय जो चुनाव होने वाले हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के आज की डेट में पर्याय बने हुए हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी होगी वहाँ भ्रष्टाचार का होना स्वाभाविक है। आप देखेंगे नगर निकाय चुनाव में, राजधानी में, अगर राजधानी की बात करें तो यहीं पर कैसे कूड़ा गाड़ी को लेकर के घोटाला किया गया, 118 नई गाड़ियों का पेमेंट ले लिया गया, 100 गाड़ियां इको ग्रीन कंपनी को दी गई और उसमें से भी 40 पुरानी कंडम गाड़ियां दे दी गई। आप बात करेंगे पीएफ घोटाला, यहाँ पे आप देखेंगे सफाई कर्मचारी का लखनऊ के अंदर 64 करोड़ से ऊपर अधिक का पीएफ घोटाला कर दिया गया, कोई पेमेंट होता नहीं है, कल कोई काम हुआ नहीं, उसके अलावा आपने पेमेंट कर दिया प्राइवेट कंपनियों को, तो घोटाले में। और उसके बाद आप चले जाइए, आपको याद दिला दे हम अयोध्या की मेयर साहब 2 करोड़ 2.5 करोड़ की जमीन को कैसे 1 घंटे के अंदर 18.5 करोड़ की कर देते हैं। ऋषिकेश उपाध्याय जी जीरो टॉलरेंस की जैसे पहले बात चल रही थी, तो नगर निकाय के चुनाव को भी देखेंगे तो आप भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लिप्त है। अरे पूरे प्रदेश में एक नगर निगम जीत कर दिखाइए प्रभु, इतना भाषण क्यों दे रहे हैं? बोल रहे हैं साईं जी, बोल रहे हैं साईं जी, बोल रहे हैं भाई प्रदीप भाई, डेंगू की चपेट में आते हैं प्रदीप भाई, भाषण दे रहे हैं ना। मैं गौरव जी ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक नगर निगम में की चुनौती है, ये जीत कर दिखा दे। कोई काम प्रॉपर नहीं किया है, सड़कें पूरी तरीके से गड्ढे युक्त हो गई हैं, गड्ढा मुक्त करते करते सारी सड़कों में गड्ढे आपने भर दिए, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे सड़क है और कहाँ पे गड्ढा है। अच्छा। ये आपको देखना चाहिए नगर निगम में। पिछले इतने समय तक मैं देखता चला रहा हूँ, मगर पिछले 5 वर्षों का जो मैंने शासन देखा है इस राजधानी में बैठ करके, इतना गंदा कार्यकाल मैंने नहीं देखा होगा। अश्विनी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए अश्विनी जी। प्रदीप जी, जी मैं ये कह रहा हूँ कि यही कहते कहते कि ये गड्ढा है, यहाँ ये है, वहाँ वो है, 2022 में आप लोग 7% से 2% पर आ गए जी। और अब हमारा एक चैलेंज है आपको जी, कि एक नगर निगम 17 में से जीत कर दिखा दीजिए, आपका बहुत बड़ा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा की हवा चल रही है। एक नगर निगम जीत कर दिखा दीजिए अश्विनी भाई बोल रहे हैं कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप एक नगर निगम जीत के दिखा दीजिए, बाकी बार बाद में देखिए नगर निगम और जो भी चुनाव होते हैं जनता उसमें मालिक होती है, जनता जो करेगी। विपक्ष में है, आज हम विपक्ष में है तो हमारा काम है, अगर बीजेपी कोई गलत नीति लेकर के आ रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, उसको उजागर करना, उसके लिए सड़कों से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ना, ये काम विपक्ष का है, वो काम विपक्ष की कर रही है। आगे जनता के ऊपर हम सब कुछ छोड़ते हैं कि वो जनता क्या करती है, सारा काम आकर के जनता के हाथों में होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मोहन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए भैया मोहन जी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, हम जो भी प्रवक्ता साथी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे किसी भी राजनीतिक दल के हो, निश्चित तौर पे हम लोगों को अपनी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का बनाए रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से, माननीय जयंत चौधरी जी एक लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, आज राज्यसभा के सांसद है, माननीय नहीं है। और आप ये लगा लीजिए, आप देख रहे होंगे गौरव भाई, हम लगातार कभी भी मैंने योगी सी जी कहा, माननीय योगी जी कहा होगा, माननीय अमित शाह कहा होगा, माननीय मोदी जी कहा होगा, निश्चित तौर पर ये बातें हम लोगों को शोभा नहीं देती है। और दूसरे विषय में आ जाता हूँ, आज जो गोला का चुनाव हो रहा है उसको भी प्रदेश और देश देख रहा है, कैसे एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके कैसे उनको छुट्टी पर भेजा जा रहा है, जबरदस्ती उनको घर भेजा जा रहा है, ये भी प्रदेश और देश देख रहा है। इसके साथ आप देखिए हमारे जो पार्टी के वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर आप देखिए उनको गुंडा एक्ट के तहत नोटिस दिया जाता है दबाव बनाने के लिए। अच्छा। निश्चित तौर पर शासन प्रशासन इनका अभी से चुनाव को अपने पक्ष में करने में किस तरह से लगा हुआ है, ये भी देश और प्रदेश देख रहा है। और मैं अश्विनी भाई से विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, ये हमेशा सत्ता कभी ऐसा हमेशा आपकी सगी नहीं है, सत्ताएं बदलती रहती है, पहले भी बहुत सत्ताएं आई और आप उस पार्टी पर प्रश्न करते हैं जो चार बार सरकार। जवाब लेता हूँ, जल्दी बोलिए भैया गौरव जी। देखिए जो
जोशी जी यहाँ हैं, मैंने अगर कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी जी। लेकिन जी सबसे पहले मैंने स्पष्ट रूप से यही कहा था और रिवाइंड करके कोई भी देख लेगा कि न रालोद के प्रवक्ता को पता है और न रालोद के अध्यक्ष को पता है जी। यही शब्द मैंने कहा तो इन्होंने हुक्का भरवाना शुरू कर दिया। तो कोई अगर हुक्का भरवाएगा तो नीचे से ऊपर तक अवकाश सबकी माफी हमको दिया। हम लोग गूंगे नहीं है, नहीं बहस नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांग रहा हूँ आपसे, बहस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। अरे मेरी बात आप सुनने, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, बहस नहीं करना चाहता, मेरी एक बात सुन ले। बीच में आप के बीच में बोल रहे हैं, नहीं मैं बोल नहीं रहा, मैं केवल आपकी बात एक कहना चाहता हूँ, आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आप गौरव जी भेज दीजिएगा इनको। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि मैं 50 से ऊपर डिबेट कर चुका हूं जोशी जी के साथ जी। आज तक पूछिए उसे कि कभी मैंने कोई असम्मान किया है। गौरव जी आपके यहाँ भी 50 डिबेट कर चुका हूँ मैं कभी भी गलत नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे हुक्का भरवाएगा, कोई मुझे नौकर बनाएगा जी, तो मैं चाहे जो भी हो मैं भी उसकी औकात तौलना मुझे आता है, चाहे जो भी हो जी। ठीक है, मुझे अगर सम्मान देंगे तो मैं सम्मान दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है जी, मैंने पूरे सम्मान के साथ आपसे बात की। आपने कहा राष्ट्रीय लोक दल के इस प्रवक्ता को कुछ पता नहीं है और ना ही इनके जयंत चौधरी को। मैंने कौन सी गाली दे दी आपको भाई? मैं आप इस प्रवक्ता की बात करेंगे, आपको मैं साहिब जी करके कहूंगा और आप कहेंगे कि इस प्रवक्ता को पता नहीं है। क्या हम विपक्ष में हैं तो हमारा कोई सम्मान नहीं है? नहीं, 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 हमारी कोई इज्जत नहीं है? क्या वो माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? क्या आप उनको कह रहे हैं जयंत चौधरी? और मैं कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है, मैंने ये कहा सीधा, ठीक है ठीक है, अभी भी मान रहा हूँ उसको। चल ठीक है ठीक है, आप जो कह रहे हैं, देखिए हमारा काम ये नहीं है कि हम यहाँ बैठ करके आपके साथ कोई असम्मानित भाषा का प्रयोग करें, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है ठीक है, हम सम्मान आपका पूरा करते हैं, हम सम्मान करना भी जानते हैं। बोलेंगे आप अगर सम्मान आप करेंगे तो पूरा सम्मान रहेगा, ठीक है ठीक है, और नहीं तो जो भाषा आएगी उसका उत्तर हो गया हो गया। पर सबसे महत्वपूर्ण मैं सभी के सामने एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ पर विधायकी को लेकर सदस्यता को लेकर इस तरह हंगामा हो रहा है, पत्र लिखे जा रहे हैं, पर भाई बता रहा हूँ जब आजम खान 27 महीने जेल में गए थे रहे थे तो कितने लोग उनसे मिलने गए थे, ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है और शायद इसका जवाब बहुत कम लोगों के पास होगा कि कौन कौन आजम खान से मिलने वहाँ पर गए थे। खैर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था कि गोला गोकर्णनाथ में चुनाव की गतिविधियाँ हैं वो क्या बताती हैं। आप सभी के मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह गोला गोकर्णनाथ पर यह चर्चा हुई, नगर निकाय चुनाव की चर्चा हुई और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। चर्चा जो दौर हमको राजनीति में देखने को मिलता है, जो दौर हमको संसद में देखने को मिलता है, जो दौर हमको ट्वीट पर देखने को मिलता है, पर शायद वो दौर हमको धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। हम भी चाहते हैं कि जो दौर है आरोप प्रत्यारोप का वो ट्वीट सोशल मीडिया और डिबेट के और संसद से अलग धरातल पर भी उतरे। अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में विपक्ष अपनी भूमिका निभाए कुछ और कुछ परिणाम बेहतर आए, उसके लिए ट्वीट सोशल मीडिया डिबेट और संसद के अलावा विधानसभा के अलावा कुछ प्रदर्शन कुछ विरोध धरातल पर भी करने पड़ेंगे। अगर आप धरातल पर धरती पर और ज़मीन पर संघर्ष करेंगे तो परिणाम बेहतर आएंगे। बाकी जो स्थिति चल रही है वो ये बताती है कि संघर्ष जरूरी है और परिणाम अगर आपको बदलना है अगर संघर्ष करेंगे तो परिणाम बेहतर आएंगे, अन्यथा वही पटकथा चलती रहेगी जो फिलहाल 2014 से चलती आ रही है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे यानी गौरव श्रीवास्तव जी नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल, हम पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं, हम निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि